फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं सुबह उठ के सबसे पहला काम यही कर रही थी कि कृष्ण जन्माष्टमी जो कल हमने मनाई थी उसका सारा डेकोरेशन अभी मैंने उतारा है, सब समेट के रखा है। और कपड़े जो 2-3 दिन से सूख रहे हैं उनको समेट के रखा है। 2 दिन से भी जो सूख रहे हैं उन कपड़ों में भी सूखे नहीं है कपड़े, यहाँ पे देख सकते हो। पापा के लिए चाय नाश्ता बना दिया है, उनको अभी जस्ट उठाया है मैंने। चिकू उठते हैं वो फिर उनको होम के वाले काम करने देते हैं। और मैं साथ ही साथ दाल भी रख दी है बॉइल करने के लिए। टाइम अभी 8:30 हो रही है, तो आज थोड़ा जल्दी फ्री होने का प्लान है, पर देखो क्या है। मम्मी नहीं है तो भाई जी अगर लेट आएंगे तो फिर लेट होना ही है मुझे। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी मुझे मिट्टू का पिंजरा साफ़ करना है, क्योंकि इन दोनों भाई साहब ने बहुत पिंजरा ख़राब कर दिया है। और खाने के लिए अंदर गए पर कुछ खाने का है नहीं, और इन भाई साहब का भी पिंजरा साफ़ करना है, तो इनका पिंजरा मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। इन दोनों का तो मस्त खाना रख दिया है, भुट्टे रखे हैं, एप्पल रखा है और हरी मिर्ची। दोनों जने मस्त से एंजॉय करेंगे। बाजरी पड़ी हुई है, पानी भी कम ही रखा है, क्योंकि पानी अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो ये दोनों मस्त नहा लेते हैं और पूरा अखबार गीला कर देते हैं। अब छोटे वाले सांप का काम कर देते हैं। छोटे वाले सांप थोड़े ज़्यादा नटखट है। दोनों मिट्टू का काम कर दिया है, अब रहती है मेरी पूजा कर देती हूँ। दाल एक तरफ बॉईल हो गई है, चावल भिगा देती हूँ, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। भाई जी शॉप पे गए हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, यहाँ पे घर पे तो झाड़ू लगा के गए हैं, इसलिए वाह जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है मेरी अभी, और अभी मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में आज बना रही हूँ चने की दाल, शिमला मिर्ची की सब्ज़ी, ये लौकी भी आ गई है, और रोटी और चावल। क्योंकि मम्मी और तीनों मम्मी आ रही है मेरी इधर बुआ को मिलने के लिए, सो इसीलिए आज उनका खाना मैंने कहा मैं ही बना देती हूँ। बड़ी मम्मी को तो बोला भी नहीं है, मम्मी का हम आ रहे हैं, मैंने कहा खाना मैं यहीं बना रही हूँ। और मम्मी भी अभी आ रहे हैं, मेरी मम्मी भी आ रही है और मेरी मम्मी भी आ रही है, दोनों मम्मी आ रही है घर पे। तो फटाफट से खाना बना देती हूँ। टाइम आप देख सकते हो अभी क्या हो रहा है, 11:30 हो रही है। और गेहूँ भी नहीं थे तो अभी गेहूँ पीस रही हूँ। अभी लौकी कट करूँगी, एक बार शिमला मिर्ची की सब्ज़ी फ्राई कर दी थी, ऑयल गर्म हो गया। मम्मी ये भी ना टूस रही है, यू नहीं है चिड़िया वो मिट्टू नहीं है, ये टोलो का यू है। याद है बे मोटा इने आंख में लगी गई, आंख सही खोलतो नहीं है यो यो हमारा को है। तीनों मम्मी आई हैं, एक बड़ी मम्मी कहाँ रह गई है, धीरे-धीरे चल रही लूज हो गई है बड़ी मम्मी, तबीयत खराब है। तो खाना बन चुका है, अभी हम चारों जने खाना खाने बैठे हैं। माता को तो पड़े लोग तो ये हमारा खाना, दाल सब्जी और ये रोटी चावल। तो अभी तीनों मम्मियों के साथ खाना खाने बैठूंगी। चिकू के खाना बाकी है, मैं खा लूँ फिर उनको बुलाती हूँ। खाना हो गया है और मम्मी आ गए घर पे, तो मम्मी के अभी खाना बाकी है। हम चारों ने खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ शॉप पे। मम्मी और ये लोग मुझे छोड़ते हुए निकल जाएंगे। चलती चलती आई हूँ घर से, और कस्टमर है शॉप पे, मम्मी ने इनको अभी सीयू किया है बाहर। शॉप पे आने के बाद क्लाइंट से फ्री हुए हैं, और आज मैं सोच रही हूँ मेरे बालों में हेयर ऑयलिंग करवा दूँ। बहुत टाइम हो गया, आपको दिखाई भी नहीं है, प्लस मैंने करवाई भी नहीं है। तो आज होगी हेयर ऑयलिंग, और हेयर ऑयलिंग नेहा करेगी, मेरी पीछे यूँ कर रही है। मसाज भावना और नेहा दोनों मिल के करेगी, और मैं गलती निकालूंगी। गलती, हाँ सही बात है, गलती निकालने के लिए नहीं, सिखाने के लिए बैठा है आपको। कितनी बार सिखाया यार, क्या करेंगे एक चीज बार-बार दोहराएंगे, कितनी बार सिखाया है, अब नहीं सिखाएंगे। अब मैं गलती निकालूंगी और नेहा की सबसे पहले निकालूंगी। क्या नेहा से क्या दुश्मनी है आपकी? दुश्मनी है मेरी क्या? नेहा तो हेयर ऑयलिंग के लिए ऑयल निकालो भाई। ये यूं कहते हैं ना 2-4 हाथ सीध में नहीं जाने चाहिए, ये मैडम में 4-4 लगा रहे, देख लो गाँव की परम्परा। क्या होता है यानी बाल जुए पड़ी थी, खबर भी नहीं पड़ती कि मैं मुड़े बाजार में पास उतर के मैं ये मेरो केमे ये मेरो गाने आने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे बाल बन चुके हैं, बिल्कुल चिपकू मेरे को बना दिया है भावना ने। और एकदम बहुत दिनों के बाद ऑयलिंग होके मज़ा आया काफ़ी, क्योंकि बहुत दिन हो गए तो ऑयलिंग हुई नहीं थी। हिचकी आ रही थी। चिकू भी याद कर रहे हैं, वाकई याद तो कर ही रहे हैं। दो बार फ़ोन आ गया, एक बार फ़ोन करके बात कर लेती हूँ, क्या पता कुछ काम हो उनको मुझसे। मस्ती मस्ती में हेयर में ऑयलिंग हो गई और मैं एकदम से चिपकू दिख रही होंगी आपको। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ें जो सलॉन्स में मैं चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आई है, उनके लिए मेरे पास अभी तक तो कोई सॉल्यूशंस नहीं थे, पर अभी मेरे पास सॉल्यूशन है, तो मैं उसके रिलेटेड आपके लिए प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ नेल्स के रिलेटेड। बहुत जनों की प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो नेल्स हैं वो नेचुरली ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली अच्छे से ग्रो करवाने के लिए और अच्छा शेप और थोड़ी क्वालिटी अच्छी करने के लिए मैं यहाँ पर नेल्स के लिए एक ऑयल ले आई हूँ, जो कि नेल्स के क्यूटिकल्स को भी रिपेयर करता है, नेल्स को भी ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और हमारे साथ ही साथ जो फिंगर्स के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत जनों के बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, जिससे कि हमारे हाथ हैं वो अच्छे नहीं दिख पाते हैं हमको, और नेल्स भी ग्रो करे तो अच्छे नहीं लगते, और नेल्स की क्वालिटी भी इससे अच्छी होगी। उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वाला प्रोडक्ट है, बेला विटा ऑर्गेनिक का है, नेल्स स्ट्रॉन्ग करके है ये प्रोडक्ट, और इसके अंदर ऑयल है जो कि आपके नेल्स पर आपको रेगुलरली 2 टाइम्स लगाना है। अगर 2 टाइम्स नहीं लगा पा रहे हो तो 1 टाइम लगाना है रात को। ये आपके नेल्स को अच्छे से हील करेगा, आपकी जो नेल्स की ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा और नेल की क्वालिटी को भी अच्छा करेगा। तो ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके नेल्स उनको पसंद नहीं है या फिर ग्रो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बॉडी इल्यूमिनाइज शाइनर। बहुत जनों का रहता है कि हम अगर कोई वेडिंग पार्टी ये सब अटेंड कर रहे हैं तो कितनी बार क्या रहता है कि हमारा जो फेस है वो तो अच्छे से हम मेकअप की वजह से अच्छा ग्लो करता है या फिर हाइलाइटर की वजह से अच्छे से ग्लो करता है, बट बॉडी को हैंड को ऐसे कैसे शाइन करे, उसके लिए ये हाइलाइटर्स आते हैं बॉडी इल्यूमिनाइज शिमर, जो कि आप पूरा कोकोनट ऑयल के अंदर शिमर आती है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, आप हल्का सा लेकर पूरे हाथों पर अच्छे से यानी अच्छे से रब करके पूरे हाथों पे लगा दोगे तो क्या मस्त बॉडी इससे ग्लो करेगी, थोड़ा टेक्सचर भी अच्छा लगेगा। इसके अंदर 2 शेड्स आते हैं, सिल्वर और गोल्डन दोनों। ये गोल्डन है, जो लोग बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं उनके लिए सिल्वर अच्छा रहता है, और जो थोड़े डल हैं यानी जो थोड़ी डस्की स्किन है जिनकी, उनके लिए गोल्ड बहुत अच्छा रहता है। तो ये वेडिंग पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट है वो बेला विटा ऑर्गेनिक का है, ये शॉप पर अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, उससे आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है ये द ब्यूटी को का, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये टिथ वाइटनिंग प्रोडक्ट है। टिथ वाइटनिंग इसके ऊपर लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे टिथ्स को वाइट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। कितनी बार क्या होता है ना कि हमारे टिथ अच्छे होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, बट उसके ऊपर येलोनेस रहती है, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते या फिर वो अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे ब्यूटी को कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो उसी को अच्छा बनाने के लिए ये ब्रांड लेके आ गई है बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट टिथ वाइटनिंग का। इसके अंदर कोकोनट शील और एक्टिवेटेड चारकोल अवेलेबल है, इसको भी आपको टिथ के ऊपर अच्छे से स्क्रब करना है, रब करना है, तो उससे आपके जो टिथ है वो धीरे धीरे वाइट हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा डल हुए पड़े हैं। तो जो लोग मुझे पूछ रहे थे येलो टिथ के लिए क्या करें, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिर फोर्थ प्रोडक्ट आ जाता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा यानी मेरे सैलून में फेस करनी पड़ रही है ये चीज़ के, बहुत जनों की रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो एल्बोज़ है या फिर एल्बोज़ है, नीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई हैं, क्योंकि अब कितने जने क्या रहता है ना, बहुत जने वर्किंग में वगैरह रहते हैं, किसी का टेबल पे हाथ बार बार घिस-घिस होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम हमारा पर्सनल केयर नहीं कर पाते हैं, उसके लिए लेके आ गया है द ब्यूटी को, बहुत अच्छा प्रोडक्ट जिस ये एल्बो और नीज़ को वाइट करेगा। जिनकी एल्बो नी बहुत ज़्यादा काली हो रखी है या फिर बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमी हुई है, उसको ये क्योर करेगा और अच्छे से क्योर करेगा, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। फिफ्थ प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरी आज की वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत जनों को प्रॉब्लम रहती है। मैंने मेरी पहले वाली वीडियो एक वीडियो में बता रखा है, चिकू भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एम कैफिन का बॉडी स्क्रब, जो कि हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो भी डेड स्किन है या फिर डेड स्किन है, डेड सेल्स हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है। ये हम बाथ लेने के टाइम पे या फिर स्पेशली इसके लिए टाइम निकाल के हमारी बॉडी पर स्क्रब करेंगे तो पूरी बॉडी से टैनिंग भी रिमूव होगी, और साथ ही साथ हमारी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी, क्योंकि स्किन के ऊपर डर्ट जमने से हमारे जो पोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, स्क्रब उस चीज़ को खोल देता है। तो आप इसके अंदर स्क्रब मैंने आपको बता रखा है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है क्योंकि चिकू खुद यूज़ कर रहे हैं। 6 प्रोडक्ट आ जाता है जो सेम मैंने अभी आपको बताया बॉडी स्क्रब, वैसे ही वैसे एम कैफे ने लॉन्च किया है स्काल्प स्क्रब। जो हमारे हेयर्स हैं उसके अंदर जो स्काल्प होती है उसके अंदर बहुत सारी डर्ट होती है, डैंड्रफ होती है, बहुत सारी चीज़ों से हमारे बाल लड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, मिट्टी से गुजरते हैं, धूप से गुजरते हैं, इसके बाद पॉल्यूशन से गुजरते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे जो स्काल्प के जो रोम छिद्र हैं, पोर्स हैं, वो लॉक हो जाते हैं या फिर वो कभी कभी डैंड्रफ के रूप में भी निकलती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए यहाँ पर एम कैफे लेके आ गया है स्काल्प स्क्रब जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको स्क्रब कर शैम्पू से पहले यूज़ करना है, फिर इसके बाद जेंटली शैम्पू को यूज़ करके पूरे स्क्रब को अपने हेड से निकाल देना है। ये अच्छे से पूरे हेड को स्क्रब करके डैंड्रफ को भी रिमूव कर देगा और डर्ट को भी रिमूव कर देगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छे सारे प्रोडक्ट जो कि अभी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले। अगर इसमें आपको कोई भी ये इस टाइप की प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरी शॉप पर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, आप भी बता रही हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस और आने वाली है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बहुत आने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और आपको बताने के लिए तो मैं बैठी हुई हूँ। अभी ये वाले प्रोडक्ट बताएं, कल की वीडियो में कुछ और देखने मिलेगा। तो अब टाइम हो रहा है घर जाने का तो मैं चिकू को कॉल कर देती हूँ और फिर चलती हूँ घर पे। मम्मी जल्दी में थी इसलिए फ्रूट्स लेके आई नहीं थी, तो ये रहे फ्रूट्स जो कि मुझे अभी घर ले जाने हैं और अभी मैं घर पे ले जा रही हूँ। ये मस्क्यूटो फैब्रिक रोल ऑन जो कि अभी बहुत सारे मच्छर आ गए हैं डेंगू के और लोगों को डेंगू होना भी चालू हो गया, तो बच्चे आउटडोर्स में जो खेलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये मामाअर्थ का जो एंटी मस्क्यूटो फैब्रिक रोल ऑन है। ये कपड़ों पे लगाने पर जो मच्छर है वो हमारे पास नहीं आते और बहुत अच्छा है। ये 100% नेचुरल है और इसका स्ट्रेन भी नहीं रहेगा, यानी जो कपड़ों पे दाग छूट जाता है वो चीज़ भी नहीं रहेगी। हमारे घर पे ही बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है इसलिए लेके जा रही हूँ। आंटी जी ने मंगवाया था, उनके बच्चों को बहुत मच्छर काटते हैं इसलिए। और घर के लिए यहाँ पर मैंने 2-3 धूप ले ली है क्योंकि धूप ख़त्म हो गई थी और एरेंस की धूप ली है। ये रोज़ फ्लेवर है, इसके अंदर ये मस्क है, चंदन है, 3 फ्लेवर लिए हैं। और 2 टिश्यू के बॉक्स भी ले लिए हैं क्योंकि डाइनिंग अभी जो पूर्वी आई थी उसने सारे टिश्यू ख़त्म कर दिए सब तरफ क्योंकि उसको टिश्यू यूज़ करने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो टिश्यू के डब्बे ख़त्म हो चुके हैं, 2 टिश्यू के डब्बे भी ले लिए हैं घर के लिए। ये सारी चीज़ें ले ली हैं और थोड़ा काम भी है चिकू को शॉप पर, तो अभी वो आ ही रहे हैं इन सब के बिल करवा के। पार्सल्स आ चुके हैं घर के लिए और अभी बनाऊंगी मैं खाना। खाने में आज बनाना है मुझे टिंडूरी की सब्ज़ी और रोटी। टिंडूरी अभी कट करूँगी, टाइम काफ़ी हो गया, 7:30 हो गई है। शॉप से आते आते ही मैं लेट हो गई थी। हाँ बेटा क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, क्या हुआ मेरा, क्या हुआ, गप्पे जाना है? ये हनी भैया रख के आ जाएगा। हनी भैया गप्पे रख के आ जाओ ना। हमारे घर पे मेहमान आ चुके हैं, सुबह भी मेहमान थे अभी भी मेहमान है। सुबह मम्मी यहाँ थी, अभी साथ में तारक मेहता एंजॉय हो रहा है। और खाने में आज बना है बेसन और रोटी। बेसन रोटी हम सब जने खा रहे हैं। चिकू यहाँ पर क्या पता क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो चिकू? एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट? नहीं अभी कपूर जला रहा हूँ। गीला कपूर जलेगा? जल गया नाना के पास है। कैसा लगा? ठीक है बा। तो बहुत सारी मस्ती होगी चिकू के साथ, इतनी सी देर में बहुत सारी मस्ती कर दी है। खाना खा लेती हो। खाना हमारा हो चुका है, अभी चिकू कर रहे हैं एडिटिंग और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आप सोच रहे होंगे 2-3 व्लॉग पहले तो इसने बोला था कि एडिटिंग अब मैं करने वाली हूँ, पर अभी क्या हुआ है ना कि थोड़े दिन हो गए, थोड़े बिजी भी चल रहे हैं, मैं काफ़ी लेट भी हो जाती हूँ। तो फिर चिकू ने कहा अभी अच्छे से शेड्यूल जब तक सेट नहीं हो जाता तब तक मुझे करने दें। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि फिर मैं भी थक जाती हूँ ना, मेरे थकने का पूरा ध्यान रखते हैं इसलिए तो अभी मैं, चिकू, हनी तीनों 10 जने बैठ के अभी मूवी देखने वाले हैं। जब तक एडिट हो जाए तो अब यहीं पर मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने वाला अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और जाने से पहले एक बात और बोल रही हूँ मैं आपको कि जो प्रोडक्ट मैंने आज की वीडियो में बताए हैं वो आपको परचेज़ करने हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रोडक्ट कैसे बाय करना है। ठीक है, तो यहीं पर बाय बाय।